Abul Kole. Thank you, Honorable Speaker, sir. I consider myself fortunate to represent constituency like Shirur, where birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Fort Shivner, is located. As we all know, Chhatrapati Shivaji Maharaj was the only king who was not born as a king, who never betrayed anyone to become a king, who sworn himself as a king, and when he passed away, till that time he was a king. None of the great 17th in the world stand on this criteria. और इसीलिए न कि महाराष्ट्र न कि देश बल्कि विश्व के शिव भक्तों के लिए किले शिवनेरी एक तीर्थस्थल से कम नहीं है. मेरी दरख्वास्त है टूरिज्म सर्किट के तहत शिवनेरी के तले एक शिव सृष्टि का निर्माण किया जाए जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक हो, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम को, महाराष्ट्र की लोक परंपरा, लोक संस्कृति को दर्शाया जाए और बूढ़े बच्चे सब इस शक्ति स्थल का दर्शन ले सके. इसलिए शिवनेरी पर रोपवे की मांग पूरी की जाए, यही मेरी दरख्वास्त है. जय शिवराय. कोले हमारा क्या होगा. थैंक यू स्पीकर सर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक. जीरो आर थ्रू यू आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स अ डेवलपमेंटल डिमांड ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट इज शिरूर महाराष्ट्र. सर इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी देर आर 3 MIDCs वेयर मेनी प्लांट्स ऑफ मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड. उसी के साथ मेरे क्षेत्र के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है उनके मेहनत के बलबूते वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में होती है. उसी के साथ मेरे चुनाव क्षेत्र में पिलग्रिमेजेस जैसे भीमाशंकर है, आलंदी है, हेरिटेज प्लेसेस जैसे शिवनेरी है, वडूतुलापुर है, अष्टविनायक, मेरे 4 विनायक वहाँ पे सिचुएटेड है. इसीलिए आपके द्वारा मैं एविएशन मिनिस्ट्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में बिजनेस, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट और टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के हेतु वहाँ पे खेड़ तहसील में चाकन एरिया में एयरपोर्ट की मांग को पूरा किया जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है.